हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं, एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सीखी होगी ना देखी होगी, आपके बहुत ही काम के है। मैंने आपको कई तरह के फिल्टर बनाने सिखाए हैं, एक्वेरियम के मेंटेनेंस, पानी साफ करना, बहुत सारी चीजें दिखाई, मछलियों के बारे में बताया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज की सबसे ज्यादा एक्वेरियम में यूज होती है, और इसके बिना एक्वेरियम कुछ भी नहीं होता है। एक्वेरियम का दिल, एक्वेरियम की धड़कन इसी चलती हुई है, एक्वेरियम का एयर पंप। एयर पंप देख रहे हैं एकदम से खराब और बेकार एयर पंप है, जो भी पुराना है, जंग लगा हुआ। एयर पंप मार्केट में बहुत ही सस्ता मिलता है, ये मुश्किल से 150 या 180 या 200 रुपए मैक्सिमम, कहीं हर एरिया का अलग प्राइस होता है, अपने यहाँ 150 रुपए चलता है। तो ये 2 महीने 3 महीने में खराब हो ही जाते हैं। खराब इसलिए क्या होता है, ये बंद नहीं होते, डेड नहीं होते हैं, इनका फोर्स और प्रेशर कमजोर हो जाता है और बबल्स थोड़े थोड़े निकलने लगते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, उसके बाद आपको एयर पंप चेंज करना पड़ता है। ये रिपेयर नहीं होते, रिपेयर होता भी नहीं, मैं भी एक्चुअल में रिपेयर नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोग शायद अपने से रिपेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग एयर पंप लेके कबाड़ कबाड़ मेरे पास चले आओ, मैं रिपेयर करूंगा उसको, आपको ही करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोग चाहे तो सीख सकते हैं। तो मैं पहले दिखा देता हूँ एयर पंप, देखेंगे एकदम से खराब है। ये देखें, ये पूरी तरीके से डेड पड़ा हुआ पंप है, लेकिन ये डेड नहीं है, इसका वाइब्रेशन कर रहा है, आप इसका साउंड सुन सकते हैं पास में, ये देखेंगे हल्का वाइब्रेशन हो रहा होगा, सरसराहट की आवाज आएगी। तो इसमें लेकिन बबल ये देखिए यहाँ पे नहीं निकल रहा है, और ये पाइप पूरी इसमें जुड़ी हुई है और वो बॉल में लगी हुई है, और ये पंप वाइब्रेट कर रहा है, इसका प्लग इसमें फंसा हुआ है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसे रिपेयर कैसे करना है, ठीक कैसे होगा। अब मैं आ गया हूँ अपने रिपेयरिंग वाले सेक्शन में, यहाँ पे मैं रिपेयरिंग करता हूँ कई सारी चीजों की। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और ये पंप को ऐसे पलटाना है और इसके स्क्रू खोलने हैं, थोड़ा सा जंग लगे हुए, थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी। इनमें 4 स्क्रू होते हैं, सबके खोलने का सिस्टम अलग होता है, आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा खुलता कैसे है। थोड़ा काम है, नट खुल गए हैं, देख रहे हैं, अब मैं इसे खोल रहा हूँ। इसके अंदर आप लोग देखिए क्या क्या लगा होता है। ये कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर, ये ट्रांसफार्मर है, इसके सामने एक मैग्नेट लगा हुआ है, और ये यहाँ पे इस कॉयल में आगे लोहा की पट्टियां घुसी रहती हैं और उन पट्टियों में मैग्नेट बनता है, और ये मैग्नेट चुंबक वाला मैग्नेट लगा है, जो कि इसका मैग्नेट अलग होता है, इलेक्ट्रिक वाला मैग्नेट अलग होता है, दोनों आपस में रहते हैं तो जब बिजली पाते हैं तो ये बिजली से डोलने लगता है ऐसे ऐसे, और जब ये ऐसे ऐसे हिलता है तो ये इसका रबड़ लगी हुई है, जो रबड़ में ऊपर नीचे होती है, जिससे कि वैक्यूम बनता है और यहाँ से एयर निकलने लगती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैं दिखाता हूँ। इसके लिए साइड में एक नट लगा होगा, फिर भी आपको खोलना पड़ेगा। ये नट खोलने के बाद, पाइप निकालने के बाद आप इसको निकाल लेंगे बाहर, देख रहे हैं मैं कैसे निकाल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे ऐसे दबता है, तो ये बाहर से हवा खींच के यहाँ से और यहाँ से ऐसे बाहर निकालता है। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ से रबड़ इसी कट जाती है और ये यहाँ से बाहर एयर लेने लगता है और बाहर से एयर लेने लगता है और ये इधर फेंक नहीं पाता है और इसका कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। इसका 2 तरीका होता है इसको रिपेयर करने को, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको पंचर बनाने वाला जो सोल्यूशन आता है या प्लास्टिक चिपकाने वाला, इसमें याद रहे फेविक्विक का यूज मत कीजिएगा, फेविक्विक इसमें काम नहीं करेगा। इसमें सोल्यूशन जो आता है जो बहुत धीरे धीरे सूखता है वही काम करेगा, उसको आपको लगाना है। मेरे पास एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, पहले तो मैं उससे चिपका देता हूँ इसको, ये ऐसे आपको बहुत बराबर से लगा देना है, देखिएगा कैसे लगाना है, आपको ऊपर से नहीं लगाने, से अंदर तरफ से लगाना है। ये इसको ऐसे लगाने के बाद इसको आप ऐसे इसमें रख देंगे,
पहले नंबर पे तो ये करना है, इसके बाद आपको एक ट्यूब पंचर बनाने वालों के पास मिलेगी, ट्यूब चिपकाने वाला या ट्यूब मिल जाती है साइकिल या गाड़ी की, पुरानी ट्यूब पड़ी रहती है। यह है ट्यूब का छोटा सा टुकड़ा, इस टुकड़े को आपको लेना है, कैंची से बराबर से काट देना है ऐसे, और इसके ऊपर भी आपको सॉल्यूशन लगा देना है, ये ऐसे बराबर से, आप देख रहे हैं अब इसको आपको सावधानी से पकड़ के उसी जगह पे रख देना है। जितने हिस्से में कटा हुआ था पहले आपको नीचे भी चिपका देना है और फिर ऊपर से भी चिपका देना है, इसको थोड़ी देर तक आपको पुश करना पड़ेगा। अब ये सूख गया है, 10 मिनट हो गया है, अब इसको फिट कर देते हैं, देखिएगा फिट कैसे हो गई है। अब सबसे पहले इसकी नोजल डाल देंगे और इधर ये आपको इसमें फंसाना है, नीचे तक आपको इसे दबा देना है, उसके सबसे पहले साइड वाला नट लगाएंगे इस मोटर में कि इसके कंप्रेसर को फिट करने के लिए। इसे अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे जिससे कि ये अनबैलेंस और ऊपर नीचे ना हो, और चेक कर लेंगे कि ये इस पे टच ना हो और ऐसे ऐसे ये गैप रहा है, और थोड़ा सा आप इसको भी दबा के इसमें भी वो लगा सकते हैं अपना सॉल्यूशन जिससे ये भी जाम हो जाए। ये चिपक गया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जाम कर दिया जिससे ऊपर ना आए, और अभी मैं इसका ढक्कन पैक कर देता हूँ ऐसे, इसमें नट लगा देंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपका रेड कलर का होगा तो उसे टच करके ब्लैक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी देखिएगा मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसा चल रहा है। ये मैं ला दिया हूँ पंप को और प्लग खोपने आ रहा हूँ, और अभी देखिएगा मैं एक मिनट लाइट ऑन कर देता हूँ जिससे आप लोगों को बराबर, ये देखिए ये चलने लगा है, और ये पंप को देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, बराबर वर्क कर रहा है। तो आप लोग मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहा करिए, कुछ जानना हो तो पूछा करिए और मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं सिर्फ मेन चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ जो कि आप लोगों के लिए डायरेक्टली, आप हाउ टू मेड एयर पंप बताइए, वो तरीका मैं तो बता दूंगा लेकिन ज्यादा दिन तक चलता नहीं, वो जल्दी ही उसका खराब हो जाता है कंप्रेसर। इसके लिए मैंने बताया कि जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों के पास एयर पंप भी खराब हो जाता है, उसे रिपेयर करना का बता देता हूँ, फिर 5-10 मिनट में आप रिपेयर कर लेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या जानना है इसके बारे में पूछते रहा करिए, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।